जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक करते हैं सब भाइयों को यूट्यूब चैनल पे एंड फेसबुक पेज पे। आज दोस्तों मास्टर साहब ने किसी गरीब को जो है ना वो लूट लिया है। 5,000 रुपये का कबूतर जी है लेके आए हैं, और कबूतर यकीन माने दोस्तों इतना अच्छा है ना, ठीक है वो मैं आपको दिखाता हूँ, आप खुद बोलेंगे कि यार इतना अच्छा कबूतर है। और 5,000 रुपये का मास्टर साहब ने ले लिया, क्योंकि जिस तरह की दोस्तों महंगाई हुई पड़ी है, अगर किसी उड़ाने वाला हम लेने जाते हैं ना किसी बंदे से, तो देखते हैं अच्छा कबूतर हमें लगता है, 2,000 रुपया वो बंदा जो है ना वो मांग लेता है कि यार हमें जो है ना ये 2,000 रुपया आप दें, तो तभी मैंने देना नहीं तो नहीं देना। तो फिर हर बंदे की कोशिश होती है यार अच्छा ही हम अपनी छत पर छोड़ें और अच्छा उड़ाएं कबूतर। तो इस हवाले से मास्टर साहब ने खुद कितने कितने साथी अच्छे अच्छे आपने कबूतर ले के आए थे, इतने महंगे महंगे ले के आए थे, सारे जाते रहे हैं, ठीक है। तो उसमें आप यही डिसाइड किया मास्टर साहब ने, घर के बच्चे शच्चे जो है ना वो शिफ्ट करते हैं, घर के बच्चे जो है ना वही काम करेंगे आगे आके, क्योंकि दोस्तों इनका जेठ लगा हुआ है और जेठ में जो है वो इस तरह के कबूतर होते हैं ना आगे वाले, वो जाते रहते हैं। अच्छा जी, इस कबूतर का आपको मैं शो करवाता हूँ, ठीक है, आपने कबूतर भी देखना सर जी। अच्छा जी, ये जी अब कबूतर है मास्टर साहब के हाथ में। अच्छा सर जी, आप खुद ही बताइएगा, अब आपके हाथ में ये कबूतर है, कबूतर की क्या बनतर है, क्या चीज है, अच्छा जानवर है, इधर छोड़ के दिखाते हैं सब भाइयों को। हाँ, सब भाइयों से भी जो है ना वो लेते हैं, इधर किरे हैं सर जी, जरा इसकी हर चीज जरा अपने भाई को हम दिखाएं। ये देखें जी माशाल्लाह से दोस्तों, पहले नंबर पे इसकी आयत का शो करें आप, ये देखें माशाल्लाह से दोस्तों, इसकी आँख देखें जी और पलके देखें, ये ऐसे दिखाता हूँ मैं माशाल्लाह से जी, ये दोस्तों इसकी आँख जी, और दोनों एक जैसी आँख है, नहीं दोनों ही सेम है, बाकी आगे मुंह मोरा माशाल्लाह इसका बड़ा कमाल का सर जी बना हुआ है, ये देखें। अच्छा सर जी, इसका ये तो है ना कि बुद्धू तो डालता है ना, ये अभी 1 साल का पट्टा है, 1 साल का पट्टा है, 1 साल का पट्टा है, क्योंकि जब मैं ये उसके पास आया था 8 बार का, अच्छा उसने भी ये परचेज किया था उस बंदे ने भी, अच्छा अच्छा 8 बार का ये बच्चा था, सही है। तो 8 पार का बच्चा तो उसने कितने में परचेज किया था? उसने 1500 रुपए का उसको कर लिया था, 1500 रुपए का लिया था, हाँ जी सही हो गया। तो बाकी मैं उसको कहा उसके पीछे लगाऊं, दे दो, अच्छा। वो कह रहा था नहीं मुझे भी स्लेटों का शौक है, ये है वो है, अच्छा। करते करते आज फिर मैंने कहा दे दो, कहते 5,000 का देना, मैंने कहा लाओ। अच्छा, उसने तो अभी मतलब फेंकी, चलो 5,000 सुन के मास्टर साहब तो जाते रहेंगे, 5,000 का देना, मैंने लाओ दे दो। अच्छा आपके, अब चलो आपका हो गया ना, खुल के बाद बताने हैं कबूतर कैसा है। कबूतर बहुत अच्छा है, पूरे हड्डी वाले पर हर चीज का पॉइंट बड़े अच्छे है, पर जोड़ इसके देखें, पर इसका शौक नहीं, माशाल्लाह से वो मैंने चीजें देखी हैं, और इसी वजह से मैं अपने भाइयों को भी दिखाने के कारण, ये देखें ये कबूतर है जी माशाल्लाह से। दूसरी तरफ का सर जी पल्ला खोलना जरा, मतलब सही नहीं दिखाया जा रहा, ये देखें जी, ये दोस्तों इसका पर पल्ला है जी कबूतर का, ठीक हो गया सर जी। ये स्लेटी घमगर कबूतरों में से बना हुआ है, बस ये लख है कबूतर मेरे ख्याल से, लख है, लख है घमगरों में शायद, इसके पंजों का जरा शो करो है ना सर जी, ये देखें जी माशाल्लाह से खुश्क और गहरे पंजे, ये देखें जी। अच्छा ये कबूतर अगर हम सर जी किसी छत से लेने जाते, किसी मतलब कोई बड़ी छत हो जाए, तो आप ही बताइएगा 15-20 हज़ार से कम आपको ये नहीं मिलना, जब जो किसी ने चीज रखी होती है ना जी जी, जब उससे पूछे ना तो फिर वो उसको पता होता है मेरी चीज क्या है, क्या है, बिल्कुल वो उस हिसाब से अपने पैसे मांगता है, हमने अपने हिसाब से देने होते हैं, नहीं वो बात आपकी ठीक है। एक तो बंदा होता है ना जो सेल परचेजिंग वाला करता है, वो तो एक अलहदा बात है, अगर किसी छत की बात कर रहा हूँ, एक चैंपियन उस्ताद की बात करता हूँ, जिनके ये कबूतर नहीं देगा, नहीं देगा, ये बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये कबूतर है जो अच्छा जानवर है, अभी मैं आपको इसकी स्टैंडिंग वगैरह दिखाऊं, बहुत अच्छा जानवर है, बिल्कुल। ये देखें दोस्तों, मास्टर साहब छोड़ने लगे हैं इस कबूतर को, और मैं खुद बोल रहा हूँ कि मास्टर साहब ने लूट लिया है जी, ये देखें, ये है जी माशाल्लाह से। सर जी अगर मैं बोलूँ कि 5,000 का नोट मैं दे देता हूँ आपको, तो मुझे दे दो फिर आप क्या बोलेंगे, आपको पसंद है? नहीं मैम, मुझे तो पसंद आया, तो मैं इतनी मतलब बातें कर रहा हूँ ना कि यार इतना आपको मिल कहाँ से गया, मुझे 1 साल हो गया उसके, ये जब भी मुझे मिलता था मैं कह रहा हूँ हाँ देना, अच्छा आपने पूरा पक्का करके, तो 1500 से चले होंगे आप भी, 1500 ही ले लो ना, जब लिया था ना तो 1500 का लिया था, अच्छा तो मैंने वैसे देखा जब 10वां पार ये ना गिरा गया, अच्छा देखा उसको जब 8 पार का था उसको कभी देखा था सारा ये इसका गर्दन वगैरह ना गंजी हुई थी, सही है। तो मैंने कहा कि 10वें पार है, मैं कहा चल 2 पार करा कर 200 इजाफी ले लो, सही है वो नहीं ये वो। इसका कुछ दिन पहले ना तकरीबन कुछ 2-3 मंथ पहले जी जी एक बंदा आया था, तो उसने उसके 6 कबूतरों का रेट लगाया था 20,000 रुपए, अच्छा उसमें ये भी कबूतर था, 6 कबूतर 20,000 रुपए, 20,000 रुपए 32-33 रुपए पर मन लेता है, सही है 33-34 रुपए,
तो उसने नहीं दिया, बाद में उसने इसको केले का निकाल के उसको 4,000 रुपये का दे दिया, उसने अगर नहीं दिया आपको पता नहीं कैसे उसने 5,000 रुपये का दे दिया जी। ये देखो वो सर जी एक और बात होती है, जो बंदा थोड़ा सा जारी बात है जब कोई मजबूरी बनती है, जिस तरह आजकल जो हो रहा है महंगाई जितनी हो गई है, फिर बंदा मजबूर होकर दे देता चले यार कोई नहीं, ठीक ठाक है, कोई मजबूरी नहीं है, नहीं जिन्हें जिन्हें बिल आंदा है ठीक ठाक भी जेड़े ने कन्ना नु हाथ लांदे ने अजकल। बाकी जी ये माशाल्लाह से दोस्तों कबूतर है और माटो साहब ने कि मैं इतना महंगा कबूतर ही खरीदूंगा। अच्छा, मैंने कभी लिए ही नहीं इतना महंगा कबूतर। अच्छा, असल में मेरे पास ज्यादा कबूतर अपने ही है। हाँ नहीं, आपकी जो ब्लड लाइन है माशाल्लाह से 40 नंबरी वो तो हमने देखी हुई है, माशाल्लाह से कमाल की है, और आगे खुद हम आपसे मतलब चला रहे हैं उसको, अपने कबूतरों में डाल रहे हैं ताकि 40 नंबरी में डालेंगे। ठीक हो गया माशाल्लाह से दोस्तों, ये कबूतर है जी, इसकी स्टैंडिंग स्टूडिंग देख लें, 16 नंबर माशाल्लाह से, वो भी बड़ा अच्छा ब्लड है आपका जी। ये दोस्तों माशाल्लाह से कबूतर है जी, लख इधर हो ना शहजादे, पट्टी का उसके साथ लगाएंगे, लाए हैं सर जी जरा उसका शौक तो करवाए सब भाइयों को जो है ना, वो दिखाते हैं मास्टर साहब ये जी कबूतर है, किसी बेचारे गरीब से बंदे से ले आए हैं दाल गा के, तो आप भी बताइएगा भैया साहब कि कैसा है कबूतर, ये देखें जी माशाल्लाह से कमाल का। वैसे इसको नीचे उतार के दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कबूतर जो है ना, दूसरे कबूतरों को देख के ना बुरा मना रहा है, ये देखें, ये है जी माशाल्लाह से कबूतर की स्टैंडिंग कमाल है माशाल्लाह से। मुझे पर्सनली दोस्तों बड़ा पसंद आया, इस वजह से मैंने सोचा चले यार सब भाइयों के साथ भी क्यों ना इस परिंदे को शेयर किया जाए। ठीक है जी, ये होते हैं कबूतर जो नस्ल बनाने वाले होते हैं, और इन्होंने उड़ना ही उड़ना होता है, चाहे जेठ हो चाहे साख हो जिस तरह की मर्जी गर्मी हो जी, इन्होंने जो है ना वो नहीं नीचे रहने वाले कहाँ। और आपको पता है इस तरह के लाखे शाखे तो हमें जो है ना वो बड़े पसंद है, और हमारे पास माशाल्लाह से वो उड़े भी हुए हैं। ठीक है जी, ये है जी माशाल्लाह से आगे स्लेटा लाखा कबूतर है जी माशाल्लाह, और आगे दोस्तों पट्टी का मास्टर साहब लेके आते हैं, वो भी शो करवाता हूँ। ले दोस्तों ये 16 नंबरी पट्टी है जी मास्टर साहब की घर की, ये देखें माशाल्लाह से इसका पहले नंबर पर मुँह मोड़ा देखें जी माशाल्लाह, पक्की नोक की है, और आगे इसका दोस्तों आपको मैं शो करवाता हूँ। ये है जी जो जेठ में भी शाम शाम उड़ते हैं, ये देखें, ये है जी माशाल्लाह से इसकी आँख, ये देखें जी बड़े मजबूत कबूतर हैं जी ये वाले मास्टर साहब के 16 नंबरी, और आगे इन्होंने इसी ब्लड लाइन को 40 नंबरी में भी डाला हुआ है, तो इंशाल्लाह 40 नंबरी को 16 नंबरों में डाला हुआ है। सबसे पहले 40 नंबरी है, ये कटे हुए हैं इसके पर। अच्छा, पार आपने गोल करके रखे जी, ये एक बंदे को ना मैंने दिया था बच्चा। अच्छा, तो उसने परिंदे छोड़े हैं तो उसने कहा जी ले जाए पट्टी, ये उड़ाता रहा जी ना, कलर लगा है इसको, सही हो गया। तो क्या है इसके अंदर प्रवाद है, ये बच्चा उसके पास शाम तक बैठा हुआ, बच्चा शाम तक उड़ा हुआ है, अभी भी ये 9 पर के, सही हो गया माशाल्लाह से। ये दोस्तों पट्टी हो गई जी, ये मास्टर साहब ने जोड़ा भी बना लिया जी, ये देखें आते ही इसका, नहीं ये हम दो हैं। अच्छा, 40 नंबरी साथ जी, जरा इनकी स्टैंडिंग में दिखाऊं जरा सब भाइयों को, ये देखें जी माशाल्लाह से, ये देखें बोलने भी लग गया जनाब, ये देखें लो सर जी, थोड़ा तो अजी जोड़ा लाग चला। मैं आपको 40 नंबर दिखाता हूँ, हमारे भाई हैं जी, जी जी हमारे जोड़े वही लगाते हैं जी, जी अली भाई हैं आप इटली से जी, जी तो मेरे जितने भी जोड़े हैं वो ही सारे ना सिलेक्ट करते हैं, सही हो गया, मस्त गई है। तो उनको दिखाएंगे और ये नर भी दिखाएंगे, क्योंकि वीडियो वॉच करेंगे ना, चले वो लेके आए हैं जरा, कौन सा 40 नंबरी लगाएंगे, चले वो भी दिखा दें सब भाइयों को जी। ये देखें दोस्तों, ये होते हैं जी ब्लड लाइन, जो मास्टर साहब ने 16 नंबरी अपनी चलाई हुई है, और आगे अगर बाहर से कबूतर ले गए हैं तो उसके अंदर डालने लगे हैं, ताकि उसको आगे मजीद जो है ना और ब्लड तेज़ किया जाए। तो इस तरह बाहर से कबूतर अगर अपने कबूतरों में डाला जाए तो बस फिर प्रवाह नहीं पकड़े, अगर अंदर से ही ऐसे ऐसे करते जाए ना तो फिर काम जो है ना वो बीच में से गंदा होना शुरू हो जाता है। तो बाकी ये है जी माशाल्लाह से मादी है, जो कि इसके साथ मास्टर साहब सोच रहे हैं आगे दूसरी मादी लेके आते हैं 40 नंबरी की, तो वो भी मैं दिखाता हूँ जी। दोस्तों एक मादी है सर जी, ये मादी। अच्छा, ये सर जी 40 नंबरी ब्लड लाइन, 40 नंबर कबूतरी थी। अच्छा, और कबूतर जो है वो जो है ना हमारा और था टैडी कबूतर, वैसे वो साइड का जी, सही है आंख दिखाए नजर आए एक जगह पे रोक के, ये देखें जी, ये माशाल्लाह से दोस्तों आंख है इसकी, ये है जी माशाल्लाह से इसकी आंख, और आंख के अंदर सारे रिंगशिंग आप देख रहे हैं, और बोस की कलर की इसकी आंख है जी। जो हमारा 16 नंबर जोड़ा यहाँ से मशहूर हुआ था ना जी, वो इस मादी का बच्चा था, जो 16 नंबर आपका मशहूर हुआ था वो हमारे 16 नंबर के नाम निकाला है। अच्छा, इस मादी के हैं। हाँ जी, उसका भाई था उस पट्टी का। अच्छा,
और ये मादी थी साथ, ये मादी साथ थी उसके लगी तब आपके साथ 16 नंबर ब्रीड चली है जिस दिन से। इनका जो बाप है वो 46 नंबर है हमारे पास। अच्छा अच्छा, तो वैसे अब वो नाम जो है ना 16 नंबर चल गया जोड़े का, सही हो गया क्योंकि 16 नंबर उस कबूतर का पट्टा था, यानी कि इसका भाई मेन ब्लड लाइन जो है 16 नंबर ही थी ना, मतलब मेन ब्लड लाइन 46 नंबर है, 46 नंबर ही थी। हाँ जी, उससे आगे जो 16 नंबर निकला है उसका पट्टा, सही उसको 16 नंबर हमने दिया था, सही इस मादी के साथ, सही हो गया। और इस मादी का और हमारे पट्टे का 16 नंबर पट्टा जो है उसका बच्चा जो है जेठ और हार्ड में उड़ा है, बच्चा जेठ में भी उड़ता रहा है, हार्ड में आगे वो 7-8 पार का हो गया था इधर क्या नाम है रावली में, रावली में उड़ा है। हमारे दोस्त हैं शाह खाल साहब, उनको हमने गिफ्ट किया था बच्चा, उन्होंने वहाँ भेजा था अपने दोस्त के पास, वो बाजियों में उड़ता रहा है और उसकी कोई भी प्रवास 4 से नीचे नहीं, 4 से नीचे नहीं थी जेठ में भी बच्चे माशाल्लाह। फिर उसके 16 नंबर का नाम निकला है, उसके बाद हमने खुद उड़ाए हैं, हम खुद भी उड़ा रहे हैं, मेरे पास अभी भी इधर मौजूद है। सही हो गया। अच्छा, इसका जरा पार का शो करवाए सर जी, ये है जी माइटर साहब की बड़ी, इसकी बाहर वाली जो पार है हो रहा है इसका। अच्छा, बाइस वाले अभी हो रहा है, पार हो रहा है, ठीक हो गया। ये है जी माशाल्लाह से पर्पल है इस मादी का भी जी। अच्छा आगे अब जो मैं जेन आपका सर जी देख रहा हूँ, आपका जेन ये है कि इस बड़ी मादी को इसके साथ लगा लें अगर, हाँ जी, तो बीच में जैसे 16 नंबरी का रिकॉर्ड आपके साथ बना है वैसे ये बना दे। रिकॉर्ड जो बना है ना, देखे हमने 16 नंबरी जो उतर है उसको भी हम ना उस साइड पे ले गए जहाँ से हम लाइन बनाए, सही है, जो इसके साथ लगा था नार, सही है, वो नार हमने इसकी जो माँ है उसके साथ लगा दी। अच्छा, इसकी माँ के साथ उस नार को दोबारा से लगा दिया, उस नार को लगा, मतलब आगे तेज कर लिया आपने और रोकने वाले बना लिए, निकली है ना जिस मादी के साथ, जी जी, उस मादी के साथ हमने 16 नंबर कबूतर को लगाया माशाल्लाह। अच्छा सर जी, उसके काटने, उसको काट दें। अब आप मुझे ये बता दें, एक लाइन चलाने के लिए या एक देखें, अब एक दो जोड़ा ही होता है घर का जो ऐसा होता है जिससे हम लाइन चला सकते हैं, वो लाइन चलाने के लिए या वो उसकी कितनी मेहनत जो है ना वो आती है, कितना टाइम लगता है, कितना खर्चा आ जाता है वो हमारे साथ। 7-8 साल हो गए हैं ये मैंने लाइन शुरू की है, अब जाके मेरे पास 40 नंबर को 10-12 हुए, 10-12 7 साल में हुए। मैं पहले उनको लोगों को भी दिए, उड़ाते रहे हैं, अपने दोस्तों को दिए हैं, और जहाँ मैं जिस छत पे शौक करता था उधर भी उड़ाने के लिए दिए हैं, अभी भी उनके पास एक पट्टी मौजूद है, ठीक है। अच्छा, 40 नंबर के साथ जी क्या प्रवाद है आपके? 40 नंबर मेरे हिसाब से ठीक है, वो जेठ में अच्छा उड़ते हैं, वैसे गर्मी में वैसे नहीं इतना उड़ते, नहीं नहीं सर, मौसम सबसे तो भारी जेठ ही होता है, जेठ ही होता है, सही है। मैं उस जेठ की बात कर रहा हूँ जिस जेठ में कबूतर 12 बजे मर भी जाते थे, पूछो उस जेठ में मैंने वो इधर उस्मान है उसका नाम, चोरी उस्मान बोलते हैं, वो खुद इटली में होता है, सही है, ठीक है, उसकी छत है नहीं अमेरिका में होता है, सही है, तो वो छत अमेरिकी के नाम से मशहूर है पिल्थीपुर में। अच्छा। उधर उनको एक पट्टा दिया था, तो वो उधर हर परवाज 4-5, 4-5, 6 बजे तक बैठा, जेठ में बाजी में उसकी तीनों परवाजें जो है, पहले दिन वो 4:15 बजे बैठा था, दूसरे दिन 4:30 बजे, तीसरे दिन वो आंधी चली थी तो वो 3:15 बजे बैठा था। माशाल्लाह, बड़ी बात है सर जी, अभी भी उनके पास मौजूद है वो, उसको लकवा हो गया था, अभी उनको उन्होंने जोड़ में काट लिया वो पट्टा। उसके बाद मैंने इधर परवेज है बुढ़े हु से, उसको दिए थे बच्चे, तो उस वक्त तो जेठ की बाजियां परवेज की लगी थी, 24-25 जेठ से शुरू हुई थी, सही है, तो 24-25 जेठ जो था उसमें वो बच्चे जो थे पट्टियां पट्टे बने थे, वो रात रह के सुबह आते थे इतनी गर्मी में, जी रात रह के सुबह आते थे, और एक पट्टी जो हमारे हिसाब से बाकियों से लूज थी वो बाजी में डाली थी, तो वो पट्टी जो है 2 दिन 6 बजे बैठी है, एक दिन वो बैठी थी 2:45 बजे। माशाल्लाह। अच्छा सर जी, 7 साल के अंदर आपने बस 10-12 क्यों बनाए हैं? मैं इसका इससे ज्यादा, यानी कि ये समझ लगे मेरे पास 1/4 है, 3 हिस्से जो है मैं लोगों को बांट चुका हूँ पहले। अच्छा। तो जब मुझे ये मर्जू अली भाई हैं, इन्होंने या एक मेरे और दोस्त थे इनसे पहले, उन्होंने मुझे कहा था कि इसके जितने आप रोक सकते हैं रोक लें, सही, तो फिर अली भाई जो है उनको हमने शो करवाया, तो उन्होंने भी कहा कि इसके रोकने हैं, इसके उड़ाने नहीं है, अभी मैंने वैसे अपनी छत पे छोड़े हैं, ठीक हो गया, नहीं वो मैं खुद अपने लेके गया हूँ, मैं आज थोड़ा सा ना बाइक जो मतलब होता है बायोडाटा वो सब भाइयों के जो है ना ट्रांसफर कर रहा हूँ, उनको पता चले 40 नंबरी मास्टर साहब के क्या करते रहे हैं, मैं अभी नहीं मास्टर साहब के 40 नंबरी अपने छत पे लेके जा रहा, अपने कबूतर में डाल उड़ा रहे हैं जिसको, हाँ अभी उड़ रहा है। अच्छा, अभी उड़ रहा है? हाँ जी, शाम हो गई है सर, शाम हो गई, अभी उड़ रहा है,
आपके सामने अबे आया था पहले, थोड़ी देर पहले आया था, 3:30 का टाइम था मेरे ख्याल में, वो आके फिर लगा गया। उसने बैठने अभी बैठ बैठेगा, सुबह लाजमी होगा, लेकिन उम्मीद है बैठ जाएगा, पहले बैठता है। माशाल्लाह बड़ी बात है सर जी, 40 नंबर सीधा उड़ा रहे हैं अब, सीधा ही उड़ा रहे हैं क्योंकि जहर लगा हुआ है आपके भी, चार ऊपर है जी जी, और तकरीबन 6-7 मैंने उनकी, मैंने उस 40 नंबर के लैदा लैदा अंडे जो है ना वो दूसरे कबूतरों के नीचे रख देता हूँ, आगे 6-7 बच्चे उसके और है। अच्छा सर जी, ये होती है चीज, एक मतलब आपसे मैं बात करता हूँ, कुछ उस्ताद होते हैं वो बोलते हैं कि जोड़ा तोड़ देना चाहिए, रेस्ट देनी चाहिए जोड़े को, तो कुछ होते हैं वो बोलते हैं साथ में कि यार हर बच्चा नहीं हम रोक सकते। हाँ जी, उस नजरिए से पूछ रहा हूँ कि 10-12 क्यों आपने बनाया, कि आप जोड़े तोड़ देते थे या आप जो है वो देखते थे कि ये अच्छा ये? पहले मैंने जोड़ा नहीं तोड़ता था। अच्छा, जब से 10-12 बना रहा हूँ ना, ये मैं 2-2 माह के वक्फे से एक जोड़ी या 2 जोड़ी लेके तो फिर 2 माह का वक्फा दे देता हूँ। सही हो गया, वैसे रेस्ट नहीं देते आप कबूतर? 2 माह का वक्फा रेस्ट ही है तो नहीं, वो तो एक जोड़े को हो गया ना। हाँ जी, अंडे ले, बाकी भी मेरे कुदरती तौर पे ये दूसरा साल है, कबूतर ऐसे ही कर रहे हैं 2 मंथ तो खुद ही वो गुजार जाते हैं। सही हो गया, चलो बहुत मेहरबानी साहब जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा ये है जी मादी, जो माइटर साहब ने सोची है कि इस कबूतर के साथ लगानी चाहिए, वो हम सिलेक्ट करेंगे अपने भाई की मर्जी से, जो अली भाई है ना जी जी, जो उन्होंने कहना है हमने जोड़ा वो लगाना है, क्योंकि मैंने पहले भी जो जोड़े लगाए 16 नंबर भी जोड़ा इस मादी के साथ उन्होंने लगाया था। सही है, जिसके साथ रिजल्ट ये निकला है, ठीक है, उन्होंने लगाया, उनको बताया है, उन्होंने लगाया था, फिर आगे उनको मैंने बताया कि इसको इसकी माँ के साथ अटैच कर दो, उन्होंने कहा एक दो जोड़ इसके लेके ना देख लें। सही हो गया, ठीक है, उसके बाद बेशक इनको फिर वापस इस तरह कर देंगे अगर ये ना हो तो। चले अपने भाइयों से भी राय लेते हैं जी, आप भी राय जरूर दीजिएगा कि आप पट्टी के साथ लगाना चाहिए या उसकी माँ के साथ लगाना चाहिए। तो बाकी कबूतर का भी आपने शो कर लिया, लाइक शेयर कॉमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों इस तरह की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। तो दुआ में याद रखिएगा अपने भाई को, इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।